नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 17 प्रो वर्सेस वीवो इक्यू Z3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो कैमन 17 प्रो में 6.65 इंच जबकि इक्यू Z3 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि कैमन 17 प्रो से कम है। विड्थ की बात करें तो कैमन 17 प्रो में 3.03 इंच जबकि इक्यू Z3 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि कैमन 17 प्रो से कम है। बात करें थिकनेस की तो कैमन 17 प्रो में 0.35 इंच जबकि इक्यू Z3 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो कैमन 17 प्रो में 210 ग्राम जबकि इक्यू Z3 में 185.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही कैमन 17 प्रो में 20:5:9 जबकि इक्यू Z3 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो कैमन 17 प्रो में 6.8 इंचेस जबकि इक्यू Z3 में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कैमन 17 प्रो में 1080x2460 और इक्यू Z3 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैमन 17 प्रो में 84.72% जबकि इक्यू Z3 में 84.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो कैमन 17 प्रो में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि इक्यू Z3 में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो कैमन 17 प्रो में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और इक्यू Z3 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो कैमन 17 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और इक्यू Z3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो कैमन 17 प्रो में माली G76MP4 जबकि इक्यू Z3 में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो कैमन 17 प्रो में MediaTek Helio G95 और इक्यू Z3 में Qualcomm Snapdragon 768G मिलता है। बात करें RAM की तो कैमन 17 प्रो में 8GB जबकि इक्यू Z3 में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो कैमन 17 प्रो में अप टू 256GB जबकि इक्यू Z3 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी कैमन 17 प्रो में 5000mAh जबकि इक्यू Z3 में 4400mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो कैमन 17 प्रो में 1 कलर्स जबकि इक्यू Z3 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो कैमन 17 प्रो की 21,990 रुपीज जबकि इक्यू Z3 की 19,990 रुपीज प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो
टेक्नो कैमन 17 प्रो में 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें वीवो इक्कीस Z3 की तो उसमें 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें है जो कि 22,890 रुपए में मिलता है, दूसरा है जो कि 23,890 रुपए में मिलता है, तीसरा Realme Narzo 35G है जो कि 15,999 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें है जो कि 22,790 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।